सो दोस्तों, ये है वीवो का नेक्स ए और ये फाइनली चाइना में जो है लॉन्च हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीवो नेक्स ए और वन प्लस सिक्स को कंपैरिजन करके उनके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा और ये वीवो का नेक्स ए कब तक इंडिया में आएगा फुल डिटेल में बताऊंगा। तो लेट्स गेट बी स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले आता है डिस्प्ले टेस्ट। तो वीवो नेक्स में आपको फुल बेजल लेस के साथ 6.59 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है और वहीं बात करें वन प्लस सिक्स की तो इसमें आपको 6.28 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो वीवो नेक्स की डिस्प्ले है वो आपको फुल बेजल लेस देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे ऊपर के सेंसर या फिर कैमरे कहाँ हैं, तो वो आके बताऊँगा मैं वीडियो के। तो यहाँ पर वीवो नेक्स में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है फुल बेजल लेस के साथ 6.59 इंचेस की डिस्प्ले और वन प्लस सिक्स में 6.28 इंचेस की। वहीं बात करें कैमरे टेस्ट की तो वीवो नेक्स में आपको डुअल कैमरा मिलता है पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ और यहाँ पर वीवो नेक्स ए में फ्रंट कैमरा पॉपअप होके 8 मेगापिक्सल का है। मतलब आपको फुल बेजल लेस के साथ स्क्रीन पे नहीं रहेगा, ये पॉपअप होके मतलब स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ है जो कि आपको पॉपअप होके सेल्फी निकालेगा और फिर आप सेल्फी ले पाएंगे और सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल की। तो वहीं बात करें वन प्लस सिक्स में आपको डुअल कैमरा पीछे की तरफ 16+20 मेगापिक्सल के मिलते हैं और फ्रंट कैमरा जो वन प्लस सिक्स में दिया जा रहा है 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, वहीं बात करें बैटरी टेस्ट में तो वीवो नेक्स में काफ़ी अच्छी बैटरी मिल जाती है। तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और वहीं बात करें वन प्लस सिक्स में तो यहाँ पर आपको 3300 mAh की बैटरी मिलती है। वन प्लस सिक्स में आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वन प्लस सिक्स में काफ़ी कम बैटरी दी जा रही है 3300 mAh की बैटरी और वीवो नेक्स में काफ़ी अच्छी 4000 mAh की बैटरी दी जा रही है। तो वीवो नेक्स काफ़ी अच्छा फ़ोन है और काफ़ी अच्छी बैटरी भी दी जा रही है। और दोस्तों, वही बात करें प्रोसेसर टेस्ट की तो वीवो नेक्स ए में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और वन प्लस सिक्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर दिया जा रहा है, स्नैपड्रैगन का 845 लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो अगर आप गेम खेलना पसंद करते हो तो वन प्लस सिक्स को ज़रूर परचेज़ कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर दिया जा रहा है। वीवो नेक्स ए में भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया जा रहा है 710 का जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और अगर आपका बजट वन प्लस सिक्स है और तो आप वन प्लस सिक्स परचेज कर सकते हो तो क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर दिया जा रहा है। और दोस्तों, फाइनली बात करें प्राइस टेस्ट की तो इसमें आपको वीवो नेक्स ए जो स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, वीवो नेक्स ए जो मिलता है आपको 41,000 से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्राइस और वन प्लस सिक्स की बात करें तो ये भी ये 35,000 से स्टार्ट होती है इसकी प्राइस। तो ये जो स्टार्टिंग प्राइस है और वीवो नेक्स ए के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी प्राइस है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी एडवांस फीचर दिए जा रहे हैं जैसे कि आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है और फुल बेजल लेस के साथ स्क्रीन आपको फुल बेजल लेस देखने को मिलेगी। और वही बात करें वन प्लस सिक्स में तो ये भी काफ़ी अच्छी इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है और इसकी प्राइस अगर आपके पास वन प्लस सिक्स लेने की अगर इससे ज़्यादा बजट है तो मेरा कहना है कि वीवो नेक्स को आप ज़रूर परचेस कीजिए क्योंकि इसमें आपको एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे और जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो आप बताइए आपको सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा लगा, कमेंट करके बताइए। और मेरे हिसाब से आप वीवो नेक्स ले सकते हो क्योंकि इसमें आपको वीवो नेक्स ए जो मैंने कंपेयर किया, वीवो इसमें आपको दूसरा देखने को मिलता है जो कि दो लॉन्च हुए थे वीवो नेक्स एस के नाम से, जो कि वीवो नेक्स एस आपको इससे 5000 ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वो आपको उसमें भी आपको 845 का प्रोसेसर दिया जा रहा है जो कि वन प्लस सिक्स में। तो यही थी कंपैरिजन वीडियो। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।